हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये है मॉर्निंग का वीडियो, नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। और अभी ये देखो, पर्दे वगैरह इनके धुलने हैं मुझे। वैसे तो मैं इनका पूरा प्रॉपर कवर है ना, वही ढक के गई थी। जो दूसरे वाले कवर रहते हैं वो नहीं, मैं इन पे मतलब सोफे पे लगा के गई थी। तो बस ये धुलना है मेरे को, तो शुक्र है मतलब मैंने पूरा पहले से ऐसा कवर कर रखा था मतलब सोफों को, ताकि धूल मिट्टी ना जाए। और हस्बैंड जी कर रहे हैं पर्दों के पाइप साफ, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, ये वाला कर दिया है। और मशीन लगा रखी है, अली ये चू चू करती रखती है यार मेरी लड़की ना। ये यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं और बाद में पर्दे उतार दिए हैं, पर्दे भी धुल रहे हैं। और अभी बस मैं नहा ली हूँ, और बस अभी हल्दी को नहलाना है, और जो इस फलारा पड़ा है ये समेटना है। और ये देखो, ये कितनी धूल मिट्टी हो रखी है यहाँ पर, तो ये भी साफ करना, पूरा घर साफ करना है। पति देव कर रहे हैं, मेरी हेल्प करा रहे हैं, थोड़ी सी कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराते वैसे। तो गाइस, यहाँ पर बर्तन ये सुबह मैंने मॉर्निंग में धुले थे, बस अभी जैसे ही सूख जाएंगे तो इन्हें यहाँ पर स्लेब पर लगा दूँगी। अभी तो स्लेब पर लगा दूँगी, लेकिन बाद में इन्हें पूरी पैक करके रखूँगी ना, ताकि अगले टाइम ऐसा ना हो। और ये भी, ये वाले बर्तन भी धुलने हैं। और इन्वर्टर हो गया हमारा ख़राब, पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये शायद चार्जिंग ही नहीं हो रहा। अब इसे वहीं पे लेके जाना पड़ेगा। कल इन्वर्टर लेके गए थे, इन्वर्टर तो ठीक है। अरे हलीन, ये कि मेरी लड़की चू चू करने पे ही लगी रहती है, गंदा बेबी। हलीन ही किसका घर है ये बता, ये किसका घर है, किसका घर है ये? मम्मी का घर है, है? अच्छा हाँ, ये उसमें लगे ना, इसमें साइड में, हाँ इसमें एक साइड, हाँ पर ये तो है इसका, किसी दूसरे का है शायद ये, ये नट निकल चुका है। अरे इसका होगा, इस वाले का भी देख, इसको इस वाले का अंदर रखा हुआ है, इसका जो ऐसे रहता है ना ये वाला, ये शायद इसी का है क्या, ये फिर से लगाना पड़ेगा, इसमें दो तीन आइटम और होते हैं। पर हाँ ये लगा हुआ है, सारा उतारना पड़ेगा ये जो है ना। बेबी बेबी का आज आई हलीन की दोस्त एक गुंजन हलीन तेरी दोस्त आ गई, हलीन तेरी दोस्त आ गई, दोस्त है तेरी, ओए हलीन। और ये देखो हलीन का, जो जब हरलीन छोटी सी थी तो ये ड्रामा निकालती थी वहाँ पर दीवारों पे, देखो इसने पूरा घर सड़ा रखा है हरलीन ने, देखो पूरा। अब पता है पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, कुछ टाइम बाद कराएंगे, दीपावली वगैरह पे तो अभी नहीं कराएंगे। और अभी कूलर भी साफ करना है, बाकी झाड़ू पोछा अभी तक नहीं हुआ है मेरा, वो बाद में करूँगी मैं। तो गाइस ठीक है, थोड़ी थोड़ी वीडियो ही ऐड कर रही हूँ मैं, बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, इतना थोड़ा काम धाम कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी देखो हल्ली ने कितना गंदा कर रखा है, ये देखो। हाँ जी बेबी, मेरा इतना प्यारा घर कितना गंदा हो रखा ना, मुझे ना बड़ा, अरे यार रुक तो जाओ, कितना वो करते हो यार, मेरा इतना प्यारा घर था पूरा गंदा हो रखा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरा इतना प्यारा घर था। क्या हुआ तेरी नोजी ना, काट दूंगी मैं, सच्ची बता रही तेरी नोजी में, नोजी गंदा बेबी, हैंग की बन रहा है, वॉश कर दिया तेरा, एक मिनट क्या हुआ तेरी नोजी तो तेरी ठीक है, खुजली हो रही है नोजी में, एक मिनट इधर दिखाओ, बस होगी ठीक, बस नोजी आ गई, तेल इसकी नोज में ना खुजली हो रही है, एक मिनट रुको मामा तेल लगा रही। तो गाइस मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पर है ये लस्सी, मक्खन फुल मक्खन भरा हुआ है, और ये देखिए ये है चूल्हे की रोटी, और ये है साग, लेकिन गेहूं की रोटी है कोई बात नहीं, बट सबसे अच्छी तो ये है। तो अभी वैसे कपड़े धुल रहे हैं, हमने सोचा रोटी भी खा लेते हैं। और ये हरलीन मैडम देख के, इसे बुक मिल गई है, इसे यहाँ अभी इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है हरलीन की। हरलीन क्या कर रहे हो बेबी, होमवर्क कर रही है हरलीन। और सच में इस वाली लस्सी को तो बड़ा मिस कर रही थी मैं, दिल्ली में ना बहुत ऐसी तो खैर मिली नहीं मुझे, 8-9 महीने दिल्ली रही, ये नहीं नसीब हुई मुझे।
और देखे मक्खन पूरा लबालब हो रहा है। तो अभी मैं लेती हूँ और ये लस्सी भी लेती हूँ और थोड़ी सी और बच रही जब मैं दो ढाई गिलास होंगे थोड़ी सी और है, ये सारी मैं मुझे ही पीनी है ये, क्योंकि इसे मैं बहुत मिस कर रही थी इस लस्सी को। तो गाइस अभी रोटी खा लेती हूँ, कपड़े धुल रहे हैं, बाकी बर्तन भी मतलब बर्तन आधे हो गए, आधे रह गए। तो पहले रोटी खा लेती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस पर्दे वगैरह तो सब लगा दिए हैं और बस अभी जो मेरा मतलब पेटी है ना, तो इस पे जो धूल मिट्टी थी, वैसे मैंने इसका भी कवर सील रखा था, तो बस इस पर जो गीला करके मतलब गीला करके पोछा लगा रही हूँ। इसका वैसे कवर धुल दिया, तो बस अभी इसको ढक दूंगी और पर्दे मैंने धुल दिए थे और वो भी लगा दिए हैं मैंने, और बस अभी मेरे बर्तन बचे हैं। सच में मुझे इतना सुकून मिल रहा है, जैसे जैसे साफ़ होता जा रहा है घर, सच में मुझे सुकून सा मिलता जा रहा है कि हाय मेरा घर साफ़ होता जा रहा, मतलब घर मुझे चीख चीख के बोल रहा है कि मैं गंदा हो रहा हूँ, मुझे साफ़ कर। सच में मतलब इस घर से तो इतना ज़्यादा लगाव हुआ है मुझे, इतना मैं इसे बहुत मिस करती हूँ इस घर को ना, मेरे आंसू आ जाते हैं, मतलब जब दिल्ली में याद करती हूँ उस घर को तो आंसू आ जाते हैं मेरे, सच में इस घर को याद करके। एक तो इतना प्यारा घर है ना, बहुत प्यारा घर है सच में, पूरा गंदा हो रखा है। जब मैंने देखा ना, मैं दिल्ली से आकर तुरंत लग गई थी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने अपने घर को इस हालत में देख के बिल्कुल भी। और ना देख लो 2 बजे उठ गई थी मैं रात में, फिर आके सफ़र करके, सफ़र में मुझे नींद नहीं आती, लेकिन फिर मैं तुरंत लग गई सब धुलने के लिए। सच में नहीं देखा जाता मुझे, मेरे से तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, ये घर तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता गंदा, तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती मैं इस घर को। धीरे धीरे मैं फिर से चमका दूँगी इस घर को, लेकिन अब ना मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी, 1 महीने में तो चक्कर लगा दिया करूँगी साफ़ करने के लिए, सब घर को क्लीन करने के लिए, बस और कुछ काम हो या ना हो, लेकिन अपने घर को क्लीन करने के लिए ज़रूर आया करूँगी अब मैं, क्योंकि उस घर से तो मेरी इतनी प्यारी प्यारी मेमोरी है ना, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरी है इस घर से सच्ची में। तो भाई बस अभी इस पर भी मैं पर्दा लगा दूँगी, मैंने साफ़ कर दिया है, बस ऐसे ही काम हो रहा है, बाहर खेल रही है उसको, उसके साथ खेल रही है। तो बस ये काम तो मेरा हो गया सच्ची में, सुकून मिलता जा रहा है। और पर इनके जो सोफे के दूसरे वाले कवर थे ना, वो भी मैंने धुल दिए हैं, बस अब वो सूख गए, अब इन पे दूसरे वाले जो कवर होते हैं वो भी मतलब वो कर दूँगी, और बस फिर झाड़ू लगाना, सुबह से मैंने झाड़ू कुछ भी लगाया, फिर पोछा लगा दूँगी, बस फिर जो मेरा फूल वगैरह और टेडी बियर रखे फिर वो लगा दूँगी अपने घर में। मतलब जैसे पहले था ना, उससे उस दे वो मतलब वो देखने के लिए मैं मतलब तरस गई हूँ उस घर को, मतलब पहले ये घर कैसा था, टेडी बियर फूल वगैरह सब रहते थे इसमें, तो बस वो ही सब लगा दूँगी। वैसे मैंने धुल के अंदर रखे हुए हैं, तो फिर उन्हें अंदर रख के चली जाऊँगी जब मैं जाऊँगी। और बस अभी पंखे साफ़ करने रह रहे हैं, पंखों पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, तो इसीलिए तो ठीक है, पहले मैं काम कर लेती हूँ। थोड़ी क्लिप दिखा रही हूँ मैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हूँ वीडियो में, मतलब मैं क्या क्या कर रही हूँ क्या करनी, बस बताती जा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये पूरा कवर लगा दिया है अपनी जो पेटी होती है, तो इस पर मैंने कवर लगा दिया, और पता है ये देखो फट भी गया, क्योंकि ना पुराना हो गया, तो इसी वजह से दूसरा करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तो चल जाएगा काम। तो जो धूल मिट्टी थी साफ़ हो चुकी है, क्लीन एकदम मेरा। सच में सुकून मिलता जा रहा है मेरे को, जो जो सामान साफ़ होता जा रहा है मुझे सुकून मिलता जा रहा है। और अभी बस इस पे चढ़ के मुझे करना है थैन क्लीन, और बस इन पे कवर लगा देती हूँ, पहले बाद में लगाऊंगी, पहले पंखा साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर धूल मिट्टी फिर से नीचे ऊपर गिरेगी ना, तो पहले पंखा ही साफ कर देती हूँ मैं। ये पंखा लगा ना, पंखा बोली मैं बल्ब मैंने लगा दिया साफ करके, क्योंकि पता है बहुत मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, तो अच्छा अच्छा आ रहा है। देखो ए ए दिया इधर आ, दिया दिया बेटे इधर आओ, ए रही हलीम की दोस्त, हलीम हलीम दीदी के साथ खेले खेले कर रहे हैं, दोस्त में दीदी है ये, है ना दीदी है ना आपकी, हाँ खेले खेले कर रहे हैं आप इसके साथ, इसे ना फुल इंजॉय आ रहा है हलीम को, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे है ना, कोई मतलब इतने दिनों में आए तो कोई कोई उठा के मतलब उसे पूरा फुल मजा आ रहा है, खेल रही पूरी मस्ती से। और जो इसके टॉय थे फिर तो वाह मजे आ गए इसके टॉय देख के, इसे पूरे अब ठीक आ रही है बीबी, क्योंकि अब काफी ज्यादा हो गया। देखो दिया सर मारी क्या, ए दिया याद आती थी इस हलीम की, बड़ा मिस कर रही हूँ।
नए साल का इन्होंने गिफ्ट रखा होता कि हरलिन आएगी हम देंगे, क्योंकि पिछले साल भी दिया था इन्होंने गिफ्ट, है ना, पिछले साल भी दिया था इन्होंने, मतलब नए साल पे ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाँ वीडियो बनाई थी मैंने नए साल पे इन्होंने क्या क्या दिया था। तो ठीक है गाइस, अब पंखा साफ कर लेती हूँ मैं।